तो आज का टॉपिक होने वाला है कुछ नया, और वो टॉपिक है बिजली बिल और मीटर के लिए, जो कि आपको यूनिट पता अगर लगाना है तो पता कैसे लगाएं कि मेरा यूनिट कितना उठा हुआ है, कितना मैंने यूनिट अभी तक यूज कर लिया है, उस सब के बारे में आज बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चेक करने से पहले, सबसे पहले इस मीटर का ये जो एक स्विच दिया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे, तो स्विच को जो है ना दबाना है, देखिए। और मैं अपना यूनिट प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि सच में ये सही है या गलत है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये वीडियो फेक ना लगे। मैं पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको। तो देखिए, मैं स्विच दबा रहा हूँ, फिर दबा रहा हूँ, फिर से चेक कर रहा हूँ, फिर से चेक कर रहा हूँ। ये 982, ये भी नहीं है, ठीक, ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है। और आगे दिखाता हूँ मैं, और ये देखिए PHKW किलोवाट 996 है ना, ये मेरा अभी तक का यूनिट है, ठीक है। मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ, जो कि बिल आई है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लीजिए, ताकि ये ऐसा आने पे आप लोगों को पता चले कि ये मेरा यूनिट अभी तक का यूनिट इतना है, ठीक है। तो चलिए अब लाइव प्रूफ, हम अपने बिल को, बिल की तरफ जाते हैं और बिल दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए लाइव प्रूफ आपको लगभग उसमें 996 था, कल के डेट में 994 था, ठीक है, दो यूनिट बढ़ा है, ठीक है। और 955 पिछला वाला है, और वर्तमान का आप देख पा रहे हैं कि इतना है, ठीक है। अब उसके बाद कि हम इतने दिनों के फासले में 11/6/23 से 12/7/23 तक के बीच में हम कितना यूनिट यूज किए हैं वो देखिए, खपत 39 यूनिट, मतलब कि हम एक महीना में 39 यूनिट खपत किए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके ये जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।